हेलो दोस्तों शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस आई फार्मासिस्ट मॉडल पेपर सिक्स आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल पार्ट जिसके अंतर्गत वन टू फिफ्टी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों हमने ये सभी पचास क्वेश्चन वेरियस फार्मासिस्ट एग्जाम में आए हुए सेलेक्ट किए हैं जो कि आने वाले वेरियस फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल पार्ट क्वेश्चन नंबर वन हेलो पेरीडॉल इज यूज एज डैस एजेंट ऑप्शन ए एंटीसाइकोटिक, ऑप्शन बी एना ऑप्शन सी एंटी कन्वलसेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एब द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यानी एंटी साइकोटिक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोटोन पंप इनिविटर्स लाइक ओमिप्राजोल एंड लेंसोप्राजोल कंटेन फॉलोइंग रिंग सिस्टम ऑप्शन ए पायरिमिडीन ऑप्शन बी बेंजोथायाजोल ऑप्शन सी वैनजी इमिडाजॉल एंड ऑप्शन डी इंडोल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यानि वैनजी इमिडाजॉल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्टर ऑप्शन ए मॉर्फिन ऑप्शन बी हेरोइन ऑप्शन सी नेलोर फाइन ऑप्शन डी डॉन तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी हेरोइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज एन ऑफेंस लाइएबल टू ए फाइन अप टू आर एस डैश ऑन फर्स्ट कॉन्विक्सन ऑप्शन ए टेन थाउजेंड ऑप्शन बी फाइव थाउजेंड ऑप्शन सी थाउजेंड एंड ऑप्शन डी फाइव हंड्रेड तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी फाइव हंड्रेड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज द रेजिन ऑप्टेंट फ्रॉम द केनाविस प्लांट एज पर द नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑप्शन ए चरस ऑप्शन बी गांजा ऑप्शन सी बॉथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ द ऑब ऑफ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बॉथ ए एंड बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ कैनविस प्लांट इज ए कंट्रोल्ड ऑपरेशन ऑफ डैश गवर्नमेंट एज पर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑप्शन ए सेंट्रल ऑप्शन बी स्टेट ऑप्शन सी बॉथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एव तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बॉथ ए एंड बी यानी सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यू यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पैप्टिक अल्सर डिसीज ऑप्शन ए एना किनरा ऑप्शन बी मॉन्टेलुकास्ट ऑप्शन सी मीसो एंड ऑप्शन डी पारनजी पाइन तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मीसो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ एलोई अंडर यू बी लाइट गिव्स कलर ऑप्शन ए ब्लू ऑप्शन बी रेड ऑप्शन सी डी ब्राउन एंड ऑप्शन डी पिंक तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी डीप ब्राउन दोस्तों यूबी मीन्स अल्ट्रा लाइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डोपामाइन एगोनिस्ट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म ऑप्शन ए सैलिजीन ऑप्शन बी एंटाकैपोन ऑप्शन सी ब्रोमोक्रिप्टीन ऑप्शन डी एमांटाडाइन तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी ब्रोमोक्रिप्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ ऑप्शन ए गार्गल्स ऑप्शन बी ड्रॉप्स ऑप्शन सी एलेक्सर्स एंड ऑप्शन डी लिंकटिस तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानि लिंक्टसिस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शेड्यूल बाई ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 फोर्टी फाइव डील्स विद ऑप्शन ए जेनरिक ड्रग्स ऑप्शन बी प्रेस्क्रिप्सन ड्रग्स ऑप्शन सी क्लिनिकल ट्रायल ऑप्शन डी मेडिकल डिवाइसेस तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी क्लिनिकल ट्रायल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन परमा नैंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ऑप्शन ए इंट्रा यूट्रेन डिवाइस ऑप्शन बी डिपोट फॉर्मुलेश ऑप्शन सी नॉन स्केपल बैसेक्टोमी एंड ऑप्शन डी मैस्टूल इंडक्शन तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी नॉन स्केपल बैशेक्टोमी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अल्ट्रा अल्ट्राफिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा फॉर्म्ड बाय द कोरोइड लैक्सस इज ऑप्शन ए सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड ऑप्शन बी एमनियोटिक फ्लूड ऑप्शन सी इंटर फ्लूइड फ्लूड एंड ऑप्शन डी सीरम तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इरीटेंट ड्रग्स आर नॉट गिवन बाई ऑप्शन ए इंट्रामस्कुलरली ऑप्शन बी टॉपिकली ऑप्शन सी सब क्यूटेशनली एंड ऑप्शन डी इंट्रावेनसली तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी सब क्यूटेशनली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एलोंग विथ बेंजोइ एसिड व्हाइट फील्ड्स ऑइंटमेंट कंटेन्स ऑप्शन ए सिक्स परसेंट सेलिसाइलिक एसिड ऑप्शन बी टू परसेंट सेलिसाइलिक एसिड ऑप्शन सी फोर परसेंट सेलिसाइलिक एसिड एंड ऑप्शन डी थ्री परसेंट सेलिसाइलिक एसिड तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी थ्री परसेंट सेलिसाइलिक एसिड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच एमंग दॉलोइंग इज स्टोर इन लाइट रेसिसटेंट कंटेनर ऑप्शन ए एल्वेंडाजॉल ऑप्शन बी एलोप्योरिन ऑप्शन सी एड्रीन ऑप्शन डी एल्प्राजोलम हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी एड्रीनलिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोप्रानोलॉल ऑप्शन ए लैक्टिक एसिडोसिस ऑप्शन बी डिप्रेशन ऑप्शन सी ब्रोंकोस्पाजम एंड ऑप्शन डी हाइपोटेंशन तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी लैक्टिक एसिडोसिस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर सोलूबल पोर्सन ऑफ ट्रेगा कैंथ ऑप्शन ए बैशोरिन ऑप्शन बी ट्रेगा कैंथिन ऑप्शन सी एलजीनेट एंड ऑप्शन डी एगारोपैक्टिन तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ट्रेगा कैंथिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच एम द फॉलोइंग डू नॉट हैव एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑप्शन ए मॉर्फिन ऑप्शन बी न्यू स्टिगमिन ऑप्शन सी डाइजीपाम एंड ऑप्शन डी डिजिटॉक्सिन तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी न्यू स्टिगमिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन फिल्ट्रेशन एनअस्थेसिया टू प्रोलोंग दल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोकेन इज मिक्सड विद ऑप्शन ए ग्लाइसिन ऑप्शन बी प्रोकेनाइड ऑप्शन सी कोकेन एंड ऑप्शन डी एड्रीनलिन तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी एड्रीनलिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्शियल बॉर्न इन एडल्ट हुमेन बॉडी ऑप्शन ए वन ट्वेंटी सिक्स ऑप्शन बी एट्टी ऑप्शन सी टू हंड्रेड सिक्स एंड ऑप्शन डी टू हंड्रेड टू तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी एट्टी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडियन सेना ऑप्टेंड फ्रॉम द प्लांट ऑप्शन ए केसियांगस्टिफोलिया ऑप्शन बी केसिया एक्यूटिफोलिया ऑप्शन सी केसिया ओवाटा एंड ऑप्शन डी केसिया औरटा तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी केसिया एंगस्टीफोलिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द डेस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एक्स ऑप्शन ए फाइब्रिनोजेन ऑप्शन बी लेवाइल फैक्टर ऑप्शन सी प्रोथ्रोम्बिन एंड ऑप्शन डी स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच एमंग फॉलोइंग इज ए स्टेराइल प्रिपरेशन ऑप्शन ए नेजल ड्रॉप्स ऑप्शन बी ग्रेनुअल्स, ऑप्शन सी ऑपथेलमिक प्रिपेरेशन एंड ऑप्शन डी ओटिक तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी ऑपथेलमिक प्रिपरेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which among the following drug formulation is required to be stored in refrigerator option A emulsion option B suspensions option C vaccines and option D none of the above So, our correct answer is option C yani vaccines Question number 26 which among the following is a liquid alkaloid option A nicotine option B strychnine option C एंड ऑप्शन डी कॉलचिसिन तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी निकोटीन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शेड्यूल आर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद तो ऑप्शन ए डिसिनफेक्टेंट्स ऑप्शन बी एंटीसेप्टिक्स ऑप्शन सी मकैनिकल कॉन्ट्रासेप्टिक्स ऑप्शन डी डाइस कलर्स एंड पिगमेंट्स तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी मकैनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेरिलाइजेशन कंडीशन बाय स्टीम स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन एज पर आईपी तो ऑप्शन ए 121 डिग्री सेंटीग्रेड एट 15 पीएसआईजी पीएसआईजी फॉर 30 मिनट्स ऑप्शन बी 171 डिग्री सेंटीग्रेड एट 15 पीएसआईजी फॉर वन आवर ऑप्शन सी 135 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 पी एस आई जी फिफ्टीन मिनट्स एंड ऑप्शन डी 134 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 पी एस आई जी फिफ्टीन मिनट्स तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 121 डिग्री सेंटीग्रेड एट 15 पी एस आई जी थर्टी मिनट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वन टेबल स्पून इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन ए टेन एम एल ऑप्शन बी फिफ्टीन एम एल ऑप्शन सी ट्वेंटी एम एल एंड ऑप्शन डी फाइव एम एल तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी फिफ्टीन एम एल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेट्रोजेनिक डिसीज मीन्स ऑप्शन ए ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज़, ऑप्शन बी सिस्टेमिक इन्फेक्शंस ऑप्शन सी फिजिशियन इंड्यूस डिसीज़ एंड ऑप्शन डी कॉन्टाजियस डिसीज तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी फिजिशियन इंड्यूस्ड डिज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच एमंग फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबर क्लोसिस तो ऑप्शन ए रिफाम ऑप्शन बी इथियोनामाइड ऑप्शन सी आइसोनियाजिड एंड ऑप्शन डी इथेम्बियोटोल तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी इथियोनामाइड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच एमंग फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन सीफालोस्पोरिंस ऑप्शन ए सेफीपाइम ऑप्शन बी सेफियोरोम ऑप्शन सी सिफिक्सिम एंड ऑप्शन डी सीफालैक्सिन तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी सीफालैक्सिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ प्रोप्रानोलॉल ऑप्शन ए ग्लूकोमा ऑप्शन बी कैटरैक्ट ऑप्शन सी माइग्रेन एंड ऑप्शन डी हाइपर टेंशन तो हमारा करक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कैटरैक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विटामिन प्रजेंट इन दार्क लिवर ऑइल तो ऑप्शन ए विटामिन एप्शन बी विटामिन डी ऑप्शन सी विटामिन के एंड ऑप्शन डी विटामिन ई तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विटामिन ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन बी फार्मासिस्ट ऑप्शन सी मेडिकल डायरेक्टर ऑप्शन डी चीफ फिजिशियन तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी फार्मासिस्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच एमंग फॉलोइंग ड्रग इंड्यूज हैपाइटिक माइक्रोसोमल एंजाइम ऑप्शन ए आइसोनजिड ऑप्शन बी फिनाइल ब्यूटाजोन ऑप्शन सी सेमिटीन एंड ऑप्शन डी फिनाइटोइन। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी फिनाइटोइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच एमंग द फॉलोइंग प्रीपरेशन इज अप्लाइड टू बॉडी कैप्टी ऑप्शन ए कोलोडियन ऑप्शन बी लिनीमेंट्स ऑप्शन सी डचेज एंड ऑप्शन डी पेंट्स तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानि डचेज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वन एम जी इज इक्ल एंड टू ऑप्शन ए वन थाउजेंड माइक्रोग्राम ऑप्शन बी हंड्रेड माइक्रोग्राम ऑप्शन सी टेन माइक्रोग्राम एंड ऑप्शन डी फिफ्टी माइक्रोग्राम तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी वन थाउजेंड माइक्रोग्राम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल फॉर प्रिजरवेटिव एडेड इन हॉल ह्यूमन ब्लड ऑप्शन ए फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट ऑप्शन बी फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट ऑप्शन सी फिनॉल ऑप्शन डी नो प्रिजर्वेटिव, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी नो प्रिजर्वेटिव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म प्राइमो मैने तो ऑप्शन ए एज डायरेक्टेड ऑप्शन बी ब्रेकफास्ट ऑप्शन सी ड्यूरिंग नाइट एंड ऑप्शन डी अर्ली इन द मॉर्निंग तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अर्ली इन द मॉर्निंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फार्मोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन ऑप्शन ए एनाल्जेसिक ऑप्शन बी एंटी इस्पाजमोडिक ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन एंड ऑप्शन डी यूफोरिया तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एंटी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉन स्टेरॉयडल ऑस्ट्रोजन ऑप्शन ए मेस्टानोल ऑप्शन बी क्लोरो ट्राई ऑप्शन सी बेंजेस्ट्रोल ऑप्शन डी बॉथ बी एंड सी तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बॉथ बी एंड सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी थ्री विच ड्रग्स शोज एंटी एपीलैप्टिक एक्टिविटी बाई ब्लॉकिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो ऑप्शन ए फिनाइटोइन, ऑप्शन बी डाइजिपैम ऑप्शन सी है पैरामीथाडा एंड ऑप्शन डी मीफोबारबिटल तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फिनाइटोइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ ए ट्रायाजोलोवेनजो डाइजीपाइन डेरिवेटिव तो ऑप्शन ए अल्प्राजोलम ऑप्शन बी टेमाजीपाम ऑप्शन सी फ्लूराजीपाम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अल्प्राजोलम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एम एनिविटर्स ऑप्शन ए हेलोपेरिडोल ऑप्शन बी फ्लियोक्सीटीन ऑप्शन सी डॉक्सीपाइन एंड ऑप्शन डी ट्रानिल साइप्रोमाइन तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ट्रानिल साइप्रोमाइन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्प्रिन इज सिंथेसाइज बाई एसिटाइलेशन ऑफ टैस ऑप्शन ए पैरा अमीनोफिनॉल ऑप्शन बी पैरा नाइट्रोफिनोल ऑप्शन सी टू हाइड्रोक्सी बैनजोइक एसिड एंड ऑप्शन डी फोर हाइड्रोक्सी बैनजॉइक एसिड तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी टू हाइड्रोक्सी बैनजोइक एसिड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज एरिल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव ऑफ न सेड्स तो ऑप्शन ए सुलिंडेक, ऑप्शन बी इंडोमिथासन ऑप्शन सी आई एंड ऑप्शन डी आल ऑफ दिस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी आई प्रोफेन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिजीटोक्सीजैनिन इज प्रेजेंट इन लेंटोसाइड तो ऑप्शन ए यानी लेंटोसाइड ए ऑप्शन बी यानी बी लेंटोसाइड एंड ऑप्शन सी सी लेंटोसाइड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी लेंटोसाइड सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट्स बाय सिंग वाइल्ड एसिड्स इन जीआईटी ऑप्शन ए प्रोबेस्टेटिन ऑप्शन बी कोल टायरामाइन ऑप्शन सी क्लोफाइब्रेट एंड ऑप्शन डी जेम्फी ब्रोजिल तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कोलिस टायरामाइन चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो ऑप्शन ए एम्लोडिपिन ऑप्शन बी आइजोजोरबाइड नाइट डाइनाइट्रेट ऑप्शन सी डिजिटैलिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एव तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी एम्लोडिपिन दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा